आपको आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है टॉप 100 बॉलीवुड हिंदी आइटम सॉन्ग। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, देखते हैं आज कितने गाने हैं। ये बड़ा
करे करे कभी चोरी से लेके तुझको साथ चले। ये भी ये भी बजा तो संगीता शेख की ना दीवाना।
यार आइटम सॉन्ग्स और ट्रेंडी गाने जो होते हैं ना, उनका एक अपना जो है ना मजा होता है। नो डाउट आप बहुत लंबे अरसे तक इन्हें नहीं सुन सकते, लेकिन जितनी देर आप सुनते हैं ना आपको मजा आता है। मतलब मुझे लगता है इनका कुछ आइटम सॉन्ग्स जो होते हैं वो थोड़ा मतलब लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, बट ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा ही टाइम पीरियड होता है। और मौसम की अगर मैं बात करूं तो भाई जीत गया है मौसम आज। आज आज इसमें मौसम आगे निकल गया। मैंने काफी सारे आइटम सॉन्ग्स नहीं सुने और जो नहीं सुने थे मैं सोच रही थी चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं सुने क्योंकि मुझे जो आते थे मैं उन्हीं को एंजॉय कर रही थी। वैसे वो जो गाना ना बबली बदमाश है भाई, उसके बाद जो है ना कुछ बेचारी बबलियां जो थी वो काफी ज्यादा डिसहार्ट हुई थी कि भाई ये गाना जो है वो की, और इवन के किसी शादी में बबली आ भी जाती थी, गाना नहीं थे चलाते कि बबली बुरा ना मना, लड़ाइयां हो जानी थी वहां पे। बट ऐसा था कि बेचारे काफी ऐसी लड़कियां जिन औरतें हैं जिनकी जिनका निक नेम बबली था ना, तो वो काफी ऑकवर्ड उनके साथ ये हो गया। अच्छा वैसे वो जो गाना है ना लाइफ की नोटी जवानी हलकट सॉरी लाइफ की नोटी कहानी हलकट जवानी, वैसे वो मूवी पता नहीं क्यों फ्लॉप हो गई थी। मुझे तो वैसे मूवी पर्सनली पसंद आई थी। तो कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, कुछ पसंद आती कुछ नहीं पसंद। जो बहुत ही हिट नंबर है ना आइटम सॉन्ग में, मुझे अभी तक वो बहुत अच्छे लगते जैसे मुन्नी बदनाम हुई से। बिल्कुल ये रोटियां क्यों बना रही हैं आप, ये फेविकोल था आप तो रोटियां बनाना शुरू हो गई हैं। फिर उसके बाद अगर शीला की जवानी भी मुझे लगता है साकी साकी जो है वो भी काफी जरा टच मी वो वाला भी अच्छा लगता है। और काफी सारे बाकी भी काफी सारे अच्छे गाने थे। आई थिंक इसमें वो भी होना चाहिए था मौसम जो वो वाला था मेरा आशिक वल्ला, वो भी तो एक तरह से आइटम झल्ला झल्ला ठीक है। नहीं सॉरी नहीं झल्ला हाँ वो भी आइटम सॉन्ग है जिसका टाइटल टाइटैनिक। उसका भी एक और हुआ छोकरा जवारे, बिल्कुल ये दोनों आप अच्छे थे। अच्छा वैसे वो जो गाना था मैं नचा फराटे मार के, यार वो क्या मैं कहता हूँ कि वो उस पर लोगों ने कोई डांस किए हुए हैं वो। अच्छा वैसे उसमें है ना सोनाक्षी जो है वो लग भी बहुत अच्छी रही है और डांस भी जो है ना वो गाने के हिसाब से बहुत अच्छा किया। मुझे तो वैसे बहुत मैंने बहुत बार वो गाना रिपीट मोड पे सुना हुआ है। हमारे घर में भी बहुत चला है, बहुत पसंद था ये गाना हमारे घर वालों को। बट मौसम पर ये गाना पता कैसे आएगा, मैं नचा फराटे मार आज तेरे नाल फंक्शन थे तुझे नहीं सोने दूंगा मैं, चाहते आ रही है। लेकिन यार जो है ना एक्ट्रेसेस जो है पहले देखने को मिलता था कि भाई जो लीड रोल में एक्ट्रेसेस होती थी ना वो आइटम सॉन्ग्स कम ही करती थी। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो अच्छा लगता है यार, एक ट्रेंड जो है वो आपको जो है वो चेंज होता है, वो दिखाई देता है काफी लंबे। अच्छा एक वो भी गाना मिसिंग है दीपिका पादुकोण का जो जिसमें आई थिंक वो जो गाना नहीं है मैं शराबी, क्या मैं शराबी मैं शराबी नहीं नहीं यार वो जो एक मूवी नहीं थी नाम कॉकटेल है हमको प्यार से इंडिया वाले, तो उसमें भी एक गाना था जो अच्छा मैं लवली हो गई यार। हाँ मैं लवली हो गई वो भी बड़ा अच्छा था। हाँ। उसमें भी उन्होंने अच्छा डांस किया था। एनीवे गाइस ओवरऑल मैं कहूंगी कि अच्छी थी वीडियो और जो गाने मैं एंजॉय कर पा रही थी वो मुझे मजा आ रहा था और जो मौसम ने सुने थे मौसम उन पे एंजॉय कर रहा था। आप जरूर बताइए कि आपने ये सारे आइटम सॉन्ग सुने हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस तरह से मैं जानना वीडियो में शामिल करें। गुड बाय।